अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो बिफोर गोइंग लाइव, लेट मी जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी हु इज़ लाइव विद मी एट द मोमेंट। एंड इन द मीन टाइम, दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो वेयर यू आर लॉगिंग फ्रॉम। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, और आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। सो आप जो भी हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जब तक आप ये लिखते हैं, तब तक आई जस्ट गो एंड चेक माई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड आई बी बैक इन द चिफी। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो तो मैंने क्लियरली लिख दिया है कि व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट। ओके, सो लेट मी जस्ट सी हु इज़ लाइव विद मी, ताकि मैं जो हूँ फिर सेशन स्टार्ट कर सकूँ। सो आई जस्ट थिंक मे बी आई एम अ बिट अर्ली, बिकॉज आई सेट कि मैं जो हूँ 15 मिनट्स में लाइव आऊँगी, बट नो इशूज़। ओके, सो किसी का अगर कोई कमेंट है तो यू कैन पोर इन योर कमेंट एंड लेट मी नो एज वेल। एंड अगर कोई कमेंट नहीं भी है तो तब भी इट्स फाइन। सो वेन वी हैव दिस सेशन, अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो यू कैन लेट मी नो दोस क्वेरीज एज वेल। और आज का जो सेशन है, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन, बिकॉज टुडे वी आर जिस राम एवरी डे या एवरी टाइम आई हैव दिस सेशन वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आज का जो सेशन है, इट्स अबाउट पैशन। सो टुडे आई एम टू टॉक अबाउट पैशन। पैशन इज समथिंग जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, और हर दूसरा बंदा या बंदी हमें कह रहा होता है, परसू योर पैशन, परसू योर पैशन। सो टुडे this is the thing which I have in my mind and this is what I want to talk about, ki in reality what is passion. So I will just start. So sabse pehle to dekhiye, jab hum passion ki baat karte hain, and thank you so much, I can see many people at the top of my screen, and if you're still at the top of my screen, I'll take you live on camera at the end of the session. So I can see Iqbal Zarkash, and then I can see Asif Ali as well, and then I can see someone else, but it's difficult to make out who this is. Okay, so सबसे पहले तो देखें, जब हम passion की बात करते हैं, passion क्या है? Passion is something that is intense, something जो कि जिस तरह जब हम कहते हैं ना driving force, so passion is more of a driving force, जो कि which move you, which motivates you to do something, or plus it's a feeling, yeah, it's conviction. सो यू नो इट कैन बी सीन एज अ डीप एंथूजियाज़म। हर एक किसी ना किसी चीज़ का एंथूजियाज़म होता है या मोटिवेटेड होता है वो उस चीज़ को लेकर। सो कोई किस चीज़ से कितना मोटिवेटेड है और वो चीज़ उससे किस तरीके से काम कराती है, चाहे वो पर्सनल ग्रूमिंग है, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, या चाहे वो किसी भी किस्म का काम है। सो अगर उसमें पैशन होता है, क्योंकि द पैशन पैशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड डूइंग एनी थिंग, जो कि आपको एक फुलफिलमेंट दे रहा है या आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहा है, सो दैट इज़ योर पैशन। सो जहाँ तक पैशन की बात है, तो हम इसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस जो है देखेंगे, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट पैशन वर्सेस इंटरेस्ट। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि पैशन जो है लाइक जिस तरीके से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज़ समथिंग विच हैज़ अ माइल्ड क्यूरियोसिटी। Interest can be about anything. It can be like you're a social sciences person and you have a interest or you have a curiosity towards knowing about different fields regarding health, ya logon ke jo hai, ya overall wellness ki jo hai, kaun se areas hain, ya kin areas pe jo hai kya study ho rahi hai, ya kya technology hai. So this is a curiosity jo ki aapke andar hai and you want to know about that. सिमिलरली दिस इज़ रिगार्डिंग हेल्थ केयर प्रोफेशन। सिमिलरली अगर जो है आप किसी और फील्ड से हैं, लाइक आप फाइनेंस की फील्ड से हैं, सो आप में क्यूरियोसिटी होगी, लाइक मे बी यू आर एन अकाउंटेंट एंड यू वॉन्ट टू नो अबाउट अदर फील्ड जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं या फाइनेंस से रिलेटेड हैं। सो देर कैन बी अ नंबर ऑफ फील्ड्स, सो दैट इज़ यूर क्यूरियोसिटी। अब जो क्यूरियोसिटी है, दैट इज़ लाइक उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, दिस इज़ इंटरेस्ट। क्योंकि उसमें आपको माइल्ड क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, बट देन अगर यही क्यूरियोसिटी आपको जो है पैशनेट बना रही है वो काम करने के लिए, और वो आपको जो है
पुश कर रही है टू अचीव योर प्रोफेशनल गोल्स, सो दैट बिकम्स योर पैशन. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक योर कमेंट्स साइड बाई साइड. अलीशा, यू आर सेइंग एज यूजल एंड हैव अनदर लेसन एंड मोटिवेशन इन दिस सेशन नाउ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एज वेल. ओके, उस्मान अयूब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. अच्छा, सो दिस इज़ रिगार्डिंग कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैशन एंड हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट. सो ये यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वॉट इज़ इंटरेस्ट और वॉट इज़ पैशन. और जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, क्यूरियोसिटी होती है, माइल्ड क्यूरियोसिटी भी हो, अगर वो माइल्ड क्यूरियोसिटी आपको किसी स्टेज पे जो है इतना इंट्रिकेट उसकी स्टडी करने की तरफ लीड करती है, तो दैट बिकम्स योर पैशन. सो इट कैन बी इन एनी फील्ड. सिमिलरली, अगर जो है पैशन को देखें, जिस तरह आई सेड कि पैशन इज़ अ कन्विक्शन, इट इज़ एन इंटरेस्ट विच यू हैव, विच इज़ समथिंग विच इज़ इनसाइड यू. आपको उसको जो है डिवेलप नहीं करना पड़ा, वो खुद ही स्प्राउट करके आएगी. लाइक जिस तरीके से देखें, लाइक एवरी पर्सन हैज़ सर्टन क्वालिटीज़. अब इफ़ समवन हैज़ अ गुड हार्ट, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एन एसेट, विच इज़ समथिंग इंट्रेंसिक. अब उस बंदे को जो है वो अच्छा हार्ट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन ऑलरेडी हैज़ अ गुड हार्ट. बट ये है कि उस गुड हार्ट के साथ जो है आप क्या करते हो, आर यू गुड टू पीपल, या आर यू गुड टू योर प्रोफेशन, या आर यू गुड टू वट एवर यू आर डूइंग और वट एवर यू आर इम्पार्टिंग. डज दैट हार्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वट एवर यू आर डूइंग. सो जो पैशन होता है दैट वर्क्स एज अ मोटिवेटर फॉर यू, फॉर मैनी पीपल. क्योंकि पैशन जो है बेसिकली इट्स अ फ्यूल विच लीड्स टू परसवेरेंस एंड रेजिलियंस, एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस. क्योंकि अगर जो है पैशन आपको मोटिवेट ना करे, तो आप जो है जो काम करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे. जिस तरीके से इफ़ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, द वे आई वॉन्ट टू इम्पार्ट और वट एवर आई एम इम्पार्टिंग, so what I feel is कि it's my responsibility and I want to impart the good knowledge which I have and I can and I want to share it universally to everyone. I don't want कि भाई मेरे knowledge से जो है एक दो लोग जो है फ़ायदा उठाएँ. I want कि एक large amount of community उसका फ़ायदा उठाए. So for that reason I do these live sessions and I want people to interact with me as well, and whatever they're thinking is I don't I don't force anyone to think like I do, because I have a different mindset, I have different experiences, mere personal experience is different hai, mere professional experience is different hai. But by sharing those experiences, uska fayda kya hota hai, uska fayda ye hota hai ki whatever I have learned over the years, ya whatever experiences I have gone through, I am able to share those experiences, and those who have been in that area ya jo abhi hain ya guzar chuke hain, they can easily resonate with what I am talking about. Aisa nahi hai ki bhai I am talking about something and people think oh ye to hawa mein baatein ho rahi hain, nothing is in real. So wo log jo ki is situation se guzar chuke hain, they can in some way or the other relate to their own circumstances or their own stories or whatever steps they have gone through, aur unhone us stage pe jo hai kya kya steps liye. So this is how we connect. And this is passion, जो कि आपको motivate करता है. So if I think about कि भाई like when I'm taking these sessions, so I get a lot of negative feedback as well. So I can like anyone in my place, they can be easily demotivated. But why don't I get demotivated? For the simple reason कि it's my passion that is motivating me, that's acting as a fuel, that makes me do more and more good. So that's why I don't get depressed, I don't feel bad ke oh ye logon ne aisa comment kar diya, aisa waisa comment kar diya, because I'm looking at the positive thing. I'm seeing ki bhai whatever I'm imparting, agar usse jo hai ek smaller lot bhi impact ho rahi hai in the positive way, so that is enough for me. So aaj agar jo hai thode log impact ho rahi hai in the positive way, then there is going to come a time when a greater lot is going to be impacted, and that's going to show हाउ आपका जो है पैशन और आपका जो हार्ड वर्क है, हाउ इज़ पेइंग ऑफ. ओके, सो देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, सनी सुलेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. रेड हार्ट का तो मुझे समझ आती है, ब्लू हार्ट किस लिए होता है? ब्लू इज़ फॉर वीक हार्ट, सो आई डोंट नो. अलीशा, यू आर सेइंग व्हेन वी इंटरेस्टेड इन आवर फेवरेट पैशन, देन वी मेक ईजी दिस काइंड ऑफ वर्क
and doing hard work for more success. Yes, that's true. Like when you pursue something and you like something, so automatically aap usme jo hai zyada excel karte hain. Like I think you are an accountant, so you would be you like to do more of accountancy and work related to accountancy. So that's your area. So you, since you have a passion in it and you like working in it, so aap dekhenge ki bhi bahut si aisi cheeze jo shayad jo aap like things which are at your fingertips and to which many other people find difficult. So this all shows ki how much in you are into that passion and profession. So it also jo aapka passion hota hai na, if it becomes your profession, then there's nothing like it. But then if you have a passion and your profession is different, then you have to learn to integrate your passion within that profession. So jahan tak jo hai passion ki baat hai, again, you know, there's a difference between intrinsic passion and there's a difference between extrinsic motivation. Ab jo intrinsic passion hai ya intrinsic motivation, that comes from within. You don't have to get it from any place else. Aapko kahin se jo hai na wo motivation nahi chahiye hoti, kyunki wo automatically aapke andar se इमर्ज करी होती है, ओरिजिनेट करती है. सिमिलरली जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, फॉर दैट यू नीड एक्सटर्नल पीपल या यू नीड टू यू नो लिसन टू पीपल जिनसे जो है ना जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ नॉट बैड इफ़ यू डोंट हैव अ पैशन, बट स्टिल यू कैन गेट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो दैट ऑल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर यू नो इन ऑर्डर टू परसू योर पैशन और योर करियर और वट एवर यू आर इन. So that's the difference between intrinsic and extrinsic motivation. Phir isme jo hai agar hum career choices ki baat kare to, again, if you are following your passion to aapke liye career choices jo hai zyada easy ho jati hain, plus you feel more motivated, you feel more satisfied and you have a high level of performance as well if you are pursuing your passion. But then again, if you are not pursuing your passion or you are into a career which is not as per your passion, then you have to see ke us career mein are you enjoying or is it a burden for you. Because I believe agar koi bhi career jo hai, whatever that is, if you don't find interesting or if you don't find satisfied or if you're not satisfied when you end you know the office work, so that is not your passion, that is something जो कि आप मजबूरी के तौर पर करें. But then again, आपने ये देखना है कि वो जो मजबूरी है, what is that मजबूरी. Cause at the back of the mind, everyone who is into a job or everyone who is doing some kind of 9-to-5 work, that means कि हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है. But अगर आप जो है अपने passion को अपने work में जो है inculcate कर देते हैं, तो वो फिर आपको मजबूरी नहीं रखती, rather you start enjoying it. So even if you're doing some kind of job which is out of मजबूरी, then try to find something जिसमें जो है ना आपको कोई motivation आप draw कर सकें या inspiration ले सकें. Even आपके work area में भी हो, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी inspiring चीज़ हो which keeps you motivating and you keep on going with your work. This is how you can, you know, use passion in your career choices. And then again, you have to, jaisa maine aapko pehle kaha, you have to maintain a balance between your passion as well as work. Yani aapka passion aur reality mein jo hai na, there has to be a balance. Like people might have a lot many passions, but then again you have to see ki in practicality is that applicable. Ya ऐसा तो नहीं कि जो आपका पैशन है इट्स मेकिंग यू गेट अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बिकॉज यू हैव टू सी, लाइक इफ आई थिंक इफ आई से ओके आई लाइक टू डू आर्ट्स एंड दैट्स माई पैशन एंड आई लव डूइंग इट, बट देन अगेन आई हैव टू सी इज दैट पैशन अर्निंग मी समथिंग और नॉट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, you can't run away from your responsibilities. If you can't make a living out of arts, then you can't pursue it, then take it as a luxury, then take it as a therapy, and it always helps you. But then there are people who do make you know a profession out of arts. It all depends ki har ek ki jo environment hai, har ek ke paas jo opportunities hain, those are quite different. So if you are trying to pursue arts in Pakistan,
देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी आर्ट किस तरह की है. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इज दैट पीपल आर नॉट into signature arts, they don't like the original art and they can't appreciate the creative arts. So for that you need a community who appreciates that kind of work, and that community you can find abroad or you can find in different galleries. It all depends aapki relation kis tarah ki hai ya PR shape aapki kis tarah ki hai. Cause yes, if you have people at the helm of the affairs who can buy your arts, then you are in a good position and then you can pursue that arts. But then if you are a layman and you don't have that kind of context, then you can't even sell your arts. So you have to see that your passion, it's aligning with the reality and it's aligning with your goals as well. Let me just take your comments. You are saying, Alicia, motivation of example in my life. In my life, as you are the best and great guide for living life in our different situations, sometimes needs to satisfy or mentally relaxing when I listen to your passion, to your session. Okay, thank you so much. That's a compliment. Yes, that's what I am trying to say, that if you can't find intrinsic motivation, then you have to drive extrinsic motivation. And extrinsic motivation often comes to people, like when you listen to different people who are doing podcasts or who are doing audio podcasts, and even who are talking direct to direct, even as I'm doing these sessions. So it all depends ki aapko jo hai kiski jo hai jo tone of voice hai ya kiski jo hai baatein hain jisse sunke you feel relaxed. So that does happen. Because at times you can't say that every other podcast you listen to, it gives you a sense of peace or a sense of satisfaction. So there, it's a quality, I would rather say. So Allah has blessed people with different kind of qualities, and it all depends whether you know it's a quality for you or it's not a quality for you. But if it's helping people, then obviously it's a quality, and thank you for that compliment. अच्छा देन जो है इसमें एक और चीज़ जो आ जाती है कि पैशन इज़ नॉट जस्ट इन योर वर्क इन्वायरमेंट, इट इज़ ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप्स. कॉज इट ऑलवेज प्लेज अ गुड रोल. कॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. प्रोफेशनल लेवल पे हमारी डिफरेंट रिलेशनशिप्स होती हैं, पर्सनल लेवल पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स होती हैं. So you need to have a certain kind of passion in your relationships. Obviously, jo aapke intimate relationships hoti hain, you need to have passion in the sense you need to communicate at an equal level, and you need to understand the needs of your partner or people jinke saath aap close hote hain. This is also very important, because hum इस तरह नहीं कर सकते. हम पैशन को जो है आइसोलेट नहीं कर सकते किसी एक कैटेगरी में, या हम किसी एक चीज़ पे नहीं उसको कह सकते कि भाई पैशन जो है वर्क में ज़रूरी है तो आपके पर्सनल लाइफ में ज़रूरी नहीं है. सो इट्स वेरी मच नेसेसरी इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप. सो यू हैव टू परसू योर पैशन ओवर देयर एज वेल. बिकॉज वट आप जो है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एसेट को इन आइसोलेशन नहीं ट्रीट कर सकते. इट्स एसोसिएटेड एंड इट्स कनेक्टेड विद मैनी अदर थिंग्स. जिस तरह जो है कोई भी इंडिविजुअल होता है, सो यू कॉन्ट टेक एन इंडिविजुअल इन अ सर्टन कैटेगरी. यू हैव टू टेक दैट इंडिविजुअल एज अ होल, बिकॉज अल्लाह हैज़ मेड एवरी वन capable of different qualities and has put different qualities in it. So jis tarike se insaan, it's a package deal. In the same way jo assets hoti hain, they also complement one asset to another asset. So if there's passion, then there is goodness as well, then there is understanding, empathy, good heart. So these are all assets. So ye sare assets jo hai they work together. It's not that कि आप जो है एक आइसोलेट कर दो एक किसी भी एक एसेट को. सो एवरी एसेंस, एवरी एसेट हैज़ टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ यूनिटी एंड अ होलनेस.
अच्छा देन अगर जो है पैशन को देखा जाए तो इससे रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं. लाइक अक्सर जो है अक्सर जो ये चीज़ देखने में भी आती है, लाइक आई हैव ऑफन ऑब्जर्व पीपल, दे से दैट इट इज़ समथिंग जो कि जो है ना पैशन के बारे में कहते हैं, इट इज़ समथिंग जो कि बहुत जल्दी डिवेलप हो जाता है, और यू नो लाइक एज अ ए लेवल स्टूडेंट यू नो कि भाई दिस इज़ योर पैशन, बट दैट्स नॉट द सिनेरियो. Because passion takes a lot of time and it might take decades to develop, and over a time period you develop that passion. So this is a totally misconception about passion ke bhi aapko pata hoga, you are a college student or university student, you would know ke okay bhai this is your passion and this is what you're going to pursue. There are many people who at the age of 70, at that age they realize okay this is our passion and this is what we want to do. So as I say, everyone is at a different stage in their life, everyone's life is changing. You don't know aapke jo it gate the events ho rahe hote hain aur jo incidents ho rahe hote hain, all those incidents and events leads you towards a new person and you change every moment, you change every minute. So it isn't necessary ki aaj agar aapka passion arts hai तो आफ्टर 20-30 years भी आपका पैशन आर्ट्स ही हो. इट माइट बी यू माइट बी टोटली डिफरेंट पर्सन, यू माइट बी परसुइंग समथिंग डिफरेंट. तैयब तारिक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू वर एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. इफ़ यू स्टिल लाइव एंड एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन कैमरा लाइव एट द एंड ऑफ दिस सेशन. एंड अयास खियानी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो दिस इज़ अबाउट यू नो दिस वॉज रिगार्डिंग द मिसकनसेप्शन अबाउट पैशन, कि भाई पैशन को डेवलप होते होते भी आपको टाइम लग जाता है, इट माइट टेक एजेस. सो इट्स नॉट समथिंग कि इट्स नॉट समथिंग लाइक ड्रिंकिंग वाटर. इवन टू ड्रिंक वाटर स्टिल यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज एज अ चाइल्ड यू डोंट नो, लाइक व्हेन यू आर बेबी यू डोंट नो हाउ टू ड्रिंक वाटर. सो ट्रायल एक्सपीरियंस एंड यू नो सिप बाय सिप यू लर्न हाउ टू ड्रिंक वाटर. सो अगेन यू नो how to cultivate passion. Well, passion again, it can be nurtured by exploring different interests. You might explore different fields, can be music, can be arts, can be, you know, can be anything, can be your experiences, or can be, you know, can be just staying curious about different things. So that's how you keep on developing your passions, whatever that passion is. And it requires an ongoing effort. It's not something I say कि मैं कहूँ कि भाई मेरा तो ये passion है, like if I say art is my passion, but that does not mean कि I should just stop at arts. I would still look at different, you know, different areas for working in arts, like how I can express myself. And over the time period, what I have learned, I cannot only express myself via painting. So there are many other fields. I express myself via these sessions, I express myself via YouTubing, I express myself via vlogging. So these are all, you know, these are all experiments and changes which I am going through and I have gone through. And I have learned over the years, like jaise jaise technology is change hui hai, how I have learned, okay, I need to work in digital space, I can, you know, I can learn about digital space, or I can learn about social media marketing or digital marketing, or how does the digital space work, or what is required by developing businesses, or how do small businesses work, or how can you promote them. So there are so many things which I have learned over time. So you know, your passion and your curiosity, it goes hand in hand, and it takes you to new dimensions and new avenues. So you don't just stop at one place. So that's what I want to say, that passion, by having a passion, you don't stop, you just don't stop, you keep on going and you keep on, you know, growing and doing your efforts and learning about different things as well. So as far as, you know, the impact of passion on society is concerned, so those people who have a passion, they keep on driving and imparting the society in a positive direction. They keep on doing good, they do not expect any reward in return, cause rewarding zaat to ek hi ki hai, so reward to usi se expect karna hai, not from people. And then you know,
whatever contribution you do, whether it's in the field of arts, whether it's in the field of science, whether it's in the field of technology, you do it with dedication and enthusiasm. And that dedication and enthusiasm, it should be seen within you every time you come live on screen. So I don't think there should be a day when you come live and that you don't, like people can't, you know, see that drive and that dedication and that enthusiasm. Cause if people are unable, in fact, people se zyada, you people, yeah, in fact, aap khud bhi, if you don't feel energetic, if you don't feel that energy when you come live, it means you don't feel like living. So you don't have that passion. So jo passion hota hai, it's the driving force and it drives you every day, every second of the day, 24 hours. So it keeps on driving you, it keeps on motivating you, it keeps on making you do things to even achieve the unattainable, which for most people, people might just give up. But that is not passion. So that is, you know, trying to find the easy way out. So life is like, it's a journey. You keep on exploring. You can't say that life is a destination. It's not a destination. It's a journey. So you keep on exploring different facets of life. You keep on going through different facets. And you keep on, you know, playing your role and keep on imparting good overall on the society, on the people and people around you. So that is what life is. Okay, so this is all what I wanted to share regarding passion. And I hope aajka jo session tha, pretty much you were clear that what is passion, what do we mean by passion in reality. Okay, thank you so much for your emojis. I can see a lot of emojis coming my way. And then if anyone has any, Hamad Ali Khan, thank you so much for joining and watching this session. So if there's anyone who wants to come live, I can take you people on camera. There's someone, Abdul Salam, Walaikum Assalam, thank you for joining this session and I was just winding it up. And Tayyip Tariq, would you like to come live? I can take you live on camera. And then there was someone else. Let me just see who can come live and I can add you people. Okay, at the moment, Abdul Salam, at the moment I was silent because I was adding. So, isliye aapki aapko meri voice nahi aa rahi hogi, warna to main musalsal bol rahi hu. Okay, so declined. Okay, guys, so that was all regarding today's session. And you know what, I'm just going to wind up because I think aaj jo hai, aapke udhar bhi jo hai na, koi transmission issues hain. People are finding it difficult to connect. तो हमारे यहाँ पर तो आज बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है. तो मे बी द सिग्नल्स आर वीक. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कम लाइव ऑन वेंसडे, टुमॉरो इज ट्यूसडे, सो वेंसडे आई विल कम लाइव एंड देन लेट्स सी व्हाट आई कैन डिस्कस ऑन वेंसडे. एंड इन द मीन टाइम इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स मी टू डिस्कस समथिंग, यू कैन जस्ट पोर इन योर topics in my comment box and I'll just pick them up randomly and I can discuss them in the live session on Wednesday.
So till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.